जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आने वाली है उस पर बात करने वाला हूँ, जिसका मोटिवेशन के लिए मैंने ये चैनल बनाया था। जो मेरा एक मोटिव था कि जैसे मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से, जब जानकारी नहीं होती थी, फिर भी हमने जैसे तैसे करके नौकरी ली है मेहनत करके, आप लोग भी अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो आपको आवश्यक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता सकूँ। क्योंकि मुझको पता है, गरीब परिवार का बच्चा जिसके पास में उन साधनों का अभाव रहता है वो कैसे नौकरी लेता है, हम जानते हैं। तो वही जो साधनों का अभाव है, उस बीच से आपको निकलकर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना है। जो वर्दी का सपना है वो पूरा करना, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है बिल्कुल, उसके लिए आपको दिलो जान से मेहनत करनी पड़ेगी और अभी से लग जाना होगा। ये आपको वेट नहीं करना है कि इसकी डेटें आएँ और हम तैयारी शुरू करें। नहीं दोस्तों, पिछली भर्तियों का थोड़ा मेरिट डाउन रहने का ये भी कारण था, भर्ती लगातार आना और आपको लगता होगा कि इतने पे उसका सिलेक्शन हो गया, उसका हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरिट अच्छी खासी जाने वाली है और आपकी जो है तैयारी में पूरा समय मिल रहा, उसका यूटिलाइज कीजिए। ऐसा भी नहीं है कोई विदेशी आके नहीं लगेंगे, लगेंगे अपने यूपी के या आसपास के जिलों, जो अपने स्टेट के होते हैं उनके लोग कुछ लग जाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल आप जो है अपनी एक सीट पक्की करने के लिए पूरी दिलो जान से मेहनत कीजिए दोस्तों, और मैं आपके साथ खड़ा हूं आपको पल पल पर मोटिवेट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। आज मैं आपको पुरानी जो 49,520 वाली और अपनी 41,520 और 49,568 दोनों की मेरिट भी दिखाने वाला हूं, क्या मेरिट रही, कट ऑफ क्या रही, फिजिकल की, फिर फिजिकल के बाद। गर्ल्स के लिए मैं कहूंगा, आपके लिए बड़ी चुनौती का सामना आपको करना पड़ेगा। आपकी मेरिट भी ठीक ठाक जाने वाली है, रनिंग भी आपके लिए टफ है, क्योंकि हमने कई बहनें हमारी हैं जो क्या रनिंग नहीं लगा पा रही हैं और वो जो है फेल होती चली जा रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस, दरोगा और अपना, मतलब कई ऐसी वैकेंसियां गुजरी हैं जिनमें क्या वो लोग जो है रनिंग की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए। आपको चुनौती का सामना करना है और बढ़ चढ़कर आपको मेहनत करनी है। जितनी मेहनत आप फिजिकल के लिए करें, रिटर्न के लिए करें, उतनी मेहनत जो है फिजिकल के लिए भी करनी है। ये नहीं सोचना कि फिजिकल तो हम यूं ही लगा देंगे, यूं ही नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि भर्ती जो आने वाली है दोस्तों, 52,699 पोस्ट तो आने वाली है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही पीएससी फायर, ठीक है, जिसमें क्या अलग अलग कैटेगरी में आपको बता ही चुके हैं बांटकर। अब मैं बात करूंगा इसमें, तो पहले आपको सिलेबस जानना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस अगर आपके दिमाग में बैठेगा तभी आप सिलेबस, सिलेबस के बाद में आपको हर एक चैप्टर को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अगर जो चैप्टर आपके कमजोर हैं उन पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जो मेरी रणनीति होती थी, मैं अपनी रणनीति बता रहा हूँ। अभी कुछ बच्चों का कमेंट आता, हमारे तो इतने से बढ़ ही नहीं रहे, बढ़ेंगे तो तब जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, पर यह बड़ी खुशी मुझे लगती है कि आपके पॉजिटिव कमेंट आते हैं और अच्छे लोग जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपका यही प्यार बना रहेगा तो हम आपके बीच में लाइव भी आते रहेंगे और आपके बीच में जो है वीडियो भी लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हिंदी से मैं बात करूं तो यहां पर 37 क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजनिंग दोस्तों, कहने को तो ये चारों पोर्शन मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी चारों बराबर का लिखे, परंतु जो सिलेबस के अनुसार, परंतु यहां पर रीजनिंग जो है 55 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 54 से 55। मैथ के दोस्तों 20 से 21 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जीके जीएस के 37 से 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इसमें से कितना नंबर लाएं, तो दोस्तों देखो, रीजनिंग अगर आपकी मेहनत है तो आप यहाँ 50 क्वेश्चन उठा सकते हैं, अगर मैथ में आपकी मेहनत है तो 18 क्वेश्चन यहाँ भी उठा सकते हैं, जीके जीएस में अगर आपकी मेहनत है तो आप जो है 17 से 20 क्वेश्चन तक यहाँ भी उठा सकते हैं। जीएस कठिन आती है मेरे को पता है, परंतु 17 से 20 क्वेश्चन तक यहाँ भी आप ला सकते हैं। और रीजनिंग की बात करें 50, और हिंदी में आप दोस्तों लोग 35 35 भी लाए हैं, खुद जोड़ के देख लेना कितने बैठते हैं। इस बार आपको मेरिट देखने मिलेगी, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, इसलिए कमर कस लीजिए, हमको एक सीट लेनी है। कोई ये ना सोचे बम्पर भर्ती आ गई है, 50,000 के पार भर्ती है तो मेरिट वही रहेगी, 70 क्वेश्चन वाले का हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बार मेरिट ज़्यादा रहने वाली है, 5 साल की वैकेंसी आ रही है बाद में, तो इसका अभाव आपको देखने को मिलेगा। शेर की तरह एकदम टूट पड़ेंगे इस बार, जैसे कि शेर टूटता है ना अपने शिकार पर, देखना तुम इस बार कैसे टूट पड़ेंगे। बच्चों को तैयारी करते करते 3 3 साल हो गए मॉक टेस्ट लगा लगा के, तो वो लोग सोचिए कितना गंभीर तरीके से, आप अगर थोड़ी सी भी लूज हैं सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, सिलेक्शन के लिए हमको गंभीर बनना पड़ेगा।
तो इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपके कमेंट भी लिखा हूँ जो आपके कमेंट आ रहे हैं। उसके बाद पहले मैं आपको जो है कट ऑफ दिखा देता हूँ, प्रीवियसर की कट ऑफ डीबी के लिए फाइनल, डीबी और फाइनल की जो लगी थी डीबी के लिए दोस्तों 41,520 की ये भर्ती की, और ये फिर इसके बाद तुरंत निकली थी, तो थोड़ा सा मेरिट इसकी कम देखने को मिल रही है। अनरिजर्व की 215 रही थी दोस्तों, और बाद में 225 हो गई थी, 10 नंबर चढ़े थे। अब सोच लो ये नॉर्मलाइज मार्क है, इसमें भाई कोई शक नहीं है। ओबीसी 204 रही थी, 216 पे पहुंच गई थी, अब सोचो 12 नंबर बढ़ गई। अब कुछ सोचते हैं हमारे तो 2-3 नंबर फालतू तो आ जाएगा, अब देख रहे हैं 10 नंबर 12 नंबर। एससी 172 थी, 187 हो गई, अब सोचो कितना नंबर बढ़े। तो यहाँ पर 10-10 15-15 नंबर बढ़ते दिखाई दे रहे। एसटी की 135 153 पर पहुँच गए, अब बताइए कितना नंबर बढ़ गए, 18 नंबर यहाँ चढ़ गई बताइए। तो महिला 180 199, महिला के लिए दोस्तों बड़ी चुनौती का है। अगर मेरी बहनें मुझसे जुड़ी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा आपको कमर कस लेनी है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है आपको रिटर्न में भी और आपके फिजिकल में, क्यों आपकी मेरिट यहाँ पर बहुत हाई जाती दिखाई दे रही है। आप सोचें हम तो एससी वाले, हमारे तो मेरिट कम रहेगी, एसटी वाले कम। महिला को कोई मतलब नहीं, आपकी मेरिट अलग अलग लगती है, महिला की मेरिट ही अलग लगती है, बताओ क्या करोगे। अनरिजर्व की बात करें दोस्तों 49,568 के लिए 185 रही और फाइनल 193। ओबीसी की ये डीवी के लिए है दोस्तों और ये फाइनल है, और ओबीसी की 172 रही 185 पे पहुंची फाइनल, और एससी 145 रही 159 पहुंची फाइनल, एसटी 114 थी 131 पहुंची फाइनल, और महिला 167 रही। तो दोस्तों मेरिट ठीक ठाक बढ़ती भी है, पहली मेरिट को कोई फाइनल मेरिट ना समझ बैठे कि डीवी में हमारा इतने आगे हो गया, ये आप देख के दिमाग में बिठा के चलेंगे। अब कुछ बच्चों के कमेंट हैं जो मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। दोस्तों अगर आपके पास में साधन है तो ऑफलाइन जाइए, आसपास में अगर कोचिंग सेंटर हैं ऑफलाइन पढ़ाई करें। ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है किस यूट्यूबर से तैयारी करें, किस यूट्यूब चैनल से तैयारी करें। दोस्तों मैं किसी का सजेशन नहीं दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका रनिंग की तैयारी करें या नहीं। जी हाँ, रनिंग आप 10-15 मिनट डेली टहलें अभी से ही, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाएं या नहीं, टाइम आपको मिलेगा रनिंग के लिए, परंतु हमको अपनी तरफ से प्रिपेयर रहना है। फिर क्या है, मॉक टेस्ट लगाएं या नहीं। दोस्तों मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाएं, अभी जो है मैं तो कभी नहीं लगाया। मैं अपना बता दूं, मैं तो सिलेक्शन जब जब फाइनल टाइम होता था, पेपर के 15 दिन 20 दिन बचते थे, उस टाइम मैं मॉक टेस्ट लगाता, ना कि अभी से मॉक टेस्ट लगाता। अभी कोई मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से तो कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में 150 नंबर आ रहे हैं, क्या करें दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट करें। SYLLABUS सिलेबस, इसको देख लें बढ़िया से, सिलेबस को तो कंप्लीट कर लें, आपके नंबर 150 से 250 भी हो सकते हैं। वो कोई दुनिया में कहीं बाहर से नहीं आते हैं जो क्या टॉपर कर जाते हैं। हम लोग 10-10 साल से पढ़ रहे हैं यार, टॉपर कौन बनता है, जो इस साल इंटर किया है वो टॉपर बन जाता है। क्यों बन जाता है, वो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ को डीपली पढ़ता है। हम क्या सोचते, जब हम खुद पढ़ते थे, हम देखते थे बच्चे, तो उस टाइम पे जब क्लास में हिंदी चलती थी, बच्चे उठ के भाग जाते, रीजनिंग चलती उठ के भाग जाते। यहीं से सिलेक्शन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपको हिंदी और रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलाएगी। आप खुद देख सकते हैं 55 क्वेश्चन और 37 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन हो गया, तो आप खुद समझ सकते हैं 90+ क्वेश्चन तो दोनों से ही बन जाता है। और आप अगर उनमें हल्का फुल्का भी कर लेंगे, अपना सिलेक्शन ले जाएंगे। पर बच्चा इसी को नहीं पढ़ता, पढ़ता है मैथ और जीएस, और मैथ और जीएस पढ़ते पढ़ते वो नहीं कर पाता, बाद में 70 क्वेश्चन पे जाके अटक जाता है और सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। पर आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ अपने भाई का कहना मानना और पढ़ना, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। दोस्तों मैं शाम में लाइव भी आऊँगा, और आप लोग लाइव जुड़ना ना भूलें। बिल्कुल, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।